देखिए बाजार एक अभी भी दायरे में ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास फिर से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर की। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आलोक विदेशी अब जुड़ चुके हैं। आलोक, काले धन पर सरकार की तरफ से एक बड़ी बैठक होने वाली है, वित्त मंत्री कल इस पर बैठक करने वाले हैं, क्या पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जैसे ही मन की बात में इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में कहा कि इसको लेकर 30 सितंबर तक लोग आगे आए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को कहा, तो जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्रालय में इसको लेकर हलचल मचनी स्वाभाविक है। और अब वित्त मंत्री जो कि अभी चाइना में होना चाहिए था लेकिन वो पहले लौट आए हैं चाइना से, तो अब एक बैठक उन्होंने बुलाई है कल, यानी 28 तारीख को शाम को 4 बजे बैठक होगी, जिसमें तमाम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, फिक्की एसोसिएशन, सीआई, इनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है। साथ ही साथ जो भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को। साथ ही साथ जो नेशनल इनकम टैक्स इंस्टीट्यूट है वहां के लोगों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा जो बार एसोसिएशन है उनके लोगों को बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर जितने भी लोग जो इस स्कीम से कहें सीधे तौर पर संबंधित हैं या जो सर्विस देते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं इन सब स्कीम्स मिलाने के लिए, कह सकते हैं कैटलिस्ट हो सकते हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर मंत्री ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर दबाव है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान आया हुआ है कल मन की बात में, और लोग भी इसको लेकर काफी एक तरह से कहें कि महसूस कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक ब्लैक मनी है उसको लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी, इसमें तमाम लोगों को एक दिशा निर्देश होगा कि किस तरह से डिस्क्लोजर स्कीम को सफल बनाना है, कैसे करना है, क्योंकि सरकार पहले भी जो स्कीम जो लाई थी काफी सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन सरकार चाहती है कि ये स्कीम काफी सक्सेसफुल हो। जी हाँ, तो कहीं न कहीं काले धन पर सरकार फिर से एक्शन में आती हुई दिखी है। और इसी मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि काला धन का खुलासा जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। एमओएस फाइनेंस जयंत सिन्हा है सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ब्लैक मनी को लेकर सरकार ने एक बार फिर से एक नई शुरुआत की है, 30 सितंबर तक का मौका दिया है जिन लोगों के पास ब्लैक मनी उसको डिस्क्लोज करें, उसके बाद सरकार ये कह रही काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं हुए हैं, तो क्या अब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और इससे कुछ बेहतर परिणाम निकलेगा? ये कोई नई शुरुआत नहीं है, हम लोग तो बहुत दिनों से इस पे लगे हुए हैं। और आपको मालूम है कि पिछले साल हम लोगों ने फॉरेन ब्लैक मनी का जो लेजिस्लेशन है उसको हम लोगों ने पारित किया, और इस बार फाइनेंस बिल में हम लोगों ने एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लागू की है। तो ये काम जो है वो बरकरार है, लगा हो हम लोग लगे हुए हैं। और जो विदेश में जो लोग काले धन को आज के समय छुपाए हुए हैं उनको एक हम लोगों ने कंप्लायंस विंडो दिया था पिछले साल, जिन लोगों ने नहीं डिस्क्लोज किया उन पे अब सख्त कार्रवाई हो रही है, जांच चल रहे हैं। इस साल हम लोगों ने घरेलू काले धन पे एक मौका दिया है, ये जब कंप्लायंस विंडो डिस्क्लोजर विंडो बंद हो जाएगा 30 सितंबर को, तो फिर हम लोग सख्ती से आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, सीधे तौर पर कहते हुए कि सरकार जो है काले धन के मामले पर बेहद सख्त है और तुरंत इस मामले में फैसले लेंगे। और आज कहीं ना कहीं देखिए काले धन का एक सेक्टर जो बहुत बस कर रहा है, चीनी शेयर में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली है, तमाम चीनी शेयर में तेजी है। जिस तरह से हमने देखा वापस से चीनी शेयर में तेजी देखने को मिली है, शुगर सेक्टर पर क्या राय होगी आपकी? इसके अलावा दो ऐसे शेयर जहां आप खरीदारी करने की सलाह देंगे। शुगर शेयर बेसिकली बहुत ही अच्छे दिखे दे रहे हैं और सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे दिखे दे रहे हैं, रेणुका, आंध्र शुगर, बजाज हिंदुस्तान, द्वारके, सारे के सारे अच्छे दिखते हैं दे रहे हैं। तो अगर रेणुका की बात करें तो 16 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 19 के टारगेट्स के लिए। फिर उसके साथ आंध्र शुगर की बात करें तो 227 का स्टॉप लॉस, 255 के टारगेट्स, सारे के सारे शुगर क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं ये कई सारे स्टॉक्स है जिसपे किरण की किराया पॉजिटिव है। शुक्रिया किरण जी बिजनेस को समय देने के लिए।